बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक पैकेट है मेरे पास चाइना से। कुछ सामान मंगवाया था, बहुत अरसे के बाद मेरे पास एक पैकेट आया है। दरमियान में मेरे तकरीबन 10 पैकेट गुम हो चुके। रीज़न उसकी क्या थी कि जो मेरा एड्रेस था वो कोहाट का मैंने दिया हुआ था, और उसके उसमें कोई पोस्टमैन चोर हो गया था। ऐसे अक्सर होता है हमारे यहाँ, यानी हमारे यहाँ क्या का मतलब, हमारे माशरे में ये अक्सर होता है कि कुछ लोग बेईमान होते हैं, तो वो जब किसी जगह जाते हैं तो फिर वो अपनी बेईमानी करते हैं। आपको बताना इसलिए ज़रूरी समझा इस वीडियो को, मकसद ये है कि आपको मैं बता दूं कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका हल ये है। तो मेरे तकरीबन 10 के करीब पैकेट्स गुम हो गए, मेरे पास नहीं पहुँचे मेरे पार्सल। तो मुझे शक पड़ा कि ये पार्सल, मैं पहले समझा कि शायद चाइना से नहीं आ रहे, लेकिन बाद में कुछ मुझे शक गुजरा कि ये चाइना से आ रहे होंगे, यहाँ कोई गड़बड़ कर रहा है। तो वो साबित हो गया क्योंकि मैंने ये एड्रेस चेंज किया, अपना नया एड्रेस लगाया। अब देख सकते हैं मैंने इसको छुपाया हुआ है बहरहाल, लेकिन वो ये नया एड्रेस लगाने के बाद ये फर्स्ट पैकेट जो था, फर्स्ट पार्सल जो मैंने मंगवाया, ये मेरे पास आ गया। मैं आपके सामने खोलता भी हूँ, अभी ये पैक्ड है, मैंने खोला नहीं है। तो खोलते हैं इसमें क्या है। तो मैं अपनी नाइफ़ की मदद से इसको यहाँ से काटता हूँ, देखते हैं। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ही हैं, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना से ही इंपोर्ट करता हूँ। अक्सर यहाँ लोकल भी ख़रीद लेता हूँ, लेकिन अक्सर मैं चाइना से ही इंपोर्ट करता हूँ। ये देखें, तो ये है वो सामान जो कि मैंने इंपोर्ट किया था, और कीमत इसकी कम ही है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। आपको ट्रांजिस्टर की तरह नज़र आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। मैं खोल के आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है, कौन से ट्रांजिस्टर हैं, क्या हैं, क्या नहीं है, और कितने हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये अब देखिए, ये टोटल आपको नज़र आ रहे हैं 10 हैं। ये देखें, 5 ये और 5 ये इधर, तो ये टोटल 10 हैं, 10 की तादाद है। और हैं कौन से ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कैमरे पे शो करने की कोशिश मैं करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखें, ये है 12N60, 12N60 आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, फोकस करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ये 12N60F, 12N60F जो है ये मॉसफेट है, मशहूर मॉसफेट, 220 वोल्ट का मॉसफेट, जो कि पावर सप्लाईज जैसे कि ये है, या यहाँ पे एक और पावर सप्लाई मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर मैं इसको हैंडल कर सकूँ। ये देखिए, ये पावर सप्लाई जो स्विच मोड पावर सप्लाईज होती हैं, इसमें तो IC है कुछ में, यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा होता है, स्विच ये उसके हैं, और बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़। 12 एम्पेयर और 600 वोल्ट, इसमें 650 वोल्ट का भी आता है, 600 वोल्ट 12 पावर सप्लाई के लिए काफ़ी होता है। तो आप ये किसी भी पावर सप्लाई में लगा सकते हैं जहाँ पे एन टाइप मॉसफेट 220 वोल्ट की पावर सप्लाई हो, जैसा कि अक्सर हमारी होती हैं कंप्यूटर की पावर सप्लाईज, और जितनी भी आपके पास हैं ये स्विचिंग पावर सप्लाईज, इनमें ये लगाया जा सकता है। जो कि मैं आपको एक और भी दिखा दूं, ये देख लीजिए, ये पावर सप्लाई, इस तरह की जो कंप्यूटर की लैपटॉप की पावर सप्लाईज होती हैं, इनमें ये अक्सर लगे होते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। एक आपको इसके साथ IC भी चाहिए होता है जो इसको ड्राइव कर रहा होता है। बहरहाल ICs मेरे पास हैं, तो ये ट्रांजिस्टर मंगवाए थे। दिखाने का मकसद आपको एक ही कि जब भी आपका इस तरह का मसला हो, पार्सल आपके गुम होने लगे, एड्रेस चेंज कर दीजिए और फिर उसके पीछे बैक कीजिएगा इसको, मतलब एप्लीकेशन दे के मैं उसको इसकी इंक्वायरी ज़रूर करवाऊँगा कि कहाँ मेरे पार्सल गुम हुए। पोस्टमास्टर को मैं एप्लीकेशन दूंगा और इसकी पूरी इस मामले की इंक्वायरी करवाऊंगा। तो दोस्तों देखते रहिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है थम्सअप जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आएँ। देखते रहिए, शुक्रिया।